Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In this video we are going to discuss about hybrid parameter Sankar Prachal, जिसको hybrid को short में H से भी लिखते हैं, H Prachal. यह electronics का जो paper है उसके second unit में से लिया गया है. तो कैसे समझ सकते हैं हम hybrid parameters क्या होते हैं? तो पहले ट्रांजिस्टर नेटवर्क की बात करें. ए फोर टर्मिनल नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क, यानी चार टर्मिनल का जाल या दो पोर्ट वाला जो जाल है, इज शोन इन फिगर. तो चित्र में हमने दिखाया गया है. इसके एक दो तीन चार चार टर्मिनल का हैं, या एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट. देर आर फोर क्वान्टिटीज एसोसिएटेड विद द नेटवर्क. यहाँ चार राशियाँ हैं जो इस परिपथ से जाल से जुड़ी हुई है, I1 V1 I2 V2. दीज क्वान्टिटीज आर इनपुट करंट, निवेशी धारा I1, इनपुट वोल्टेज निवेशी वोल्टा V1, आउटपुट करंट निर्गत धारा I2 एंड आउटपुट वोल्टेज निर्गत वोल्टा V2 है. तो ये चार राशियाँ इससे जुड़ी हुई है. आउट ऑफ दीज क्वान्टिटीज, इन चार राशियों में से टू आर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी दो राशियों को स्वतंत्र चर मान लेते हैं. एंड द रिमेनिंग टू क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी दो राशियों को हम स्वतंत्र चर मान लेते हैं, और जो शेष दो राशियां बचती है उन दो राशियों को इन स्वतंत्र चरों के रूप में व्यक्त करते हैं. The selection of independent variables is not arbitrary. यानी अपनी इच्छा से चार में से कोई सी भी दो स्वतंत्र राशियां स्वतंत्र चर नहीं मान सकते. यह स्वेच्छ नहीं होता बल्कि तर्कसंगत होता है. यानी दो राशियां कौन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होगी वो लॉजिकल होगा, तर्कसंगत होगा, न कि आर्बिट्रेरी होगा. हम यहाँ ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स, जो ट्रांजिस्टर परिपथ है, अगर अपन ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, द इनपुट करंट I1 एंड द आउटपुट वोल्टेज V2 कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द सर्किट. यानी उस परिपथ के जो व्यवहार को जो नियंत्रित करता है वो कौन कौन करते हैं? एक तो निवेशी धारा करती है I1 और एक निर्गत वोल्टा V2. इसलिए इन दोनों राशियों को हम स्वतंत्र चर मान लेते हैं. सो दीज क्वांटिटीज आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसलिए इन दोनों राशियों को हम स्वतंत्र चर लेते हैं. इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में देयर फंक्शन रिलेशंस आर गिवन बाय. अब फंक्शन फलन संबंध क्या होंगे? हमने कहा था कि दो राशियों को हम स्वतंत्र चर मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है उनको एज ए फंक्शन इन क्वांटिटीज के रूप में हम लिखते हैं. तो V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 V2 एंड I2 इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. टेकिंग टोटल डिफरेंशियल ऑफ द अबव इक्वेशंस. अब हम इन दोनों इक्वेशन का पूर्ण अवकलज लेते हैं. तो dV1, अब ये V1 I1 पर भी डिपेंड करता है, तो I1 के रेस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा dI1. इसी तरह ये V2 पर भी डिपेंड करता है, तो ΔV1 अपॉन ΔV2 dV2. इसी तरह दूसरी इक्वेशन से लें, इसका भी टोटल डिफरेंशियल लें dI2, तो वैसा का वैसा ΔI2 अपॉन ΔI1 dI1 प्लस ΔI2 अपॉन ΔV2 dV2. तो ये दो इक्वेशन आ गई. इफ स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड, यानी जब हम इसका एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करते हैं, प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते हैं, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका बिहेवियर किस प्रकार होना चाहिए ट्रांजिस्टर का. यानी एक्टिव रीजन के अंदर, सक्रिय क्षेत्र के अंदर जो लोड लाइन का भाग है, भार रेखा, उसके मध्य में क्यू पॉइंट होना चाहिए, क्यू बिंदु होना चाहिए. अगर हम बाहर से कोई सिग्नल अप्लाई करें तो वो सिग्नल इस प्रकार हो कि क्यू पॉइंट
शिफ्ट होकर न तो सेचुरेशन रीजन में जाए न ही कट ऑफ रीजन में जाए। इसलिए हम जो बाहर से सिग्नल अप्लाई करेंगे, जो संकेत प्रयुक्त करेंगे, जो प्रत्यावर्ती वोल्टा लगाएंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो लघु आयाम का संकेत होगा, प्रत्यावर्ती संकेत होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल, ताकि क्यू पॉइंट शिफ्ट होके एक्टिव रीजन में ही बना रहे, क्योंकि उस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर होता है वो लीनियर होता है और बिना डिस्टोर्शन के हमें आउटपुट प्राप्त होता है, बिना विरूपण के हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। देन इन लीनियर रीजन, यानी वही जो एक्टिव रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर होता है वो डिस्टोर्शन लेस होता है, विकृति रहित होता है, विरूपण रहित होता है, द वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विल बी कॉन्स्टेंट। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने लिए वहां पर इनका मान क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि V1 में परिवर्तन से जो I1 में परिवर्तन होता है वो लीनियर होता है, तो इसका मान कॉन्स्टेंट होगा। इसी तरह I2 में परिवर्तन और I1 में परिवर्तन भी सेम प्रपोर्शन में होता है, समान अनुपात में होता है, इसलिए ये भी कॉन्स्टेंट होगा। देयरफॉर द अबव इक्वेशंस मे बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स एज, इसलिए इन इक्वेशंस को इस प्रकार लिख सकते हैं, डी V1, यानी V1 जो कैपिटल V1 है वो DC वोल्टता है। DV1 का मतलब होता है चेंज इन V1, बाहर से जो हमने इनपुट सिग्नल दिया, निवेशी संकेत दिया, तो V1 में जो चेंज हुआ वो स्मॉल V1 से लिख दिया। अब ये चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है, तो उनको हमने जैसे 1-1 आ रहा है तो H11, फिर 1-2 आ रहा है तो H12, 2-1 आ रहा है तो H21 और 2-2 आ रहा है तो H22 लिख दिया। इसी तरह DI1, I1 जो कैपिटल I1 है वो करंट है, किसके कारण? जो DC सोर्स हमने लगा रखे हैं। कौन से DC सोर्स? कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए हमने एक बैटरी लगा रखी है और अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए एक बैटरी लगा रखी है, तो उनके कारण जो करंट और वोल्टेज है वो कैपिटल I1, कैपिटल I2, कैपिटल V1, कैपिटल V2 ये है। लेकिन जब हम बाहर से अल्टरनेटिंग सिग्नल देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता देते हैं, तो उनके अंदर जो चेंज आएगा उसको हम स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, I1, V2, I2, V1। The quantities H11, H12, H21 and H22 used in the above equations are known as H parameters or hybrid parameters। यानी इन equations में जो चार quantities हमने काम में ली है उनको H प्राचल कहते हैं या संकर प्राचल, hybrid parameters कहते हैं। अब ये क्या होते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स? हियर H11 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 व्हेन DV2 इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन में हम देखें, इन दोनों इक्वेशंस में से जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर DV2 जीरो रख दें तो H11 का मान ज्ञात हो जाएगा जो इसके बराबर होगा। DV2 जीरो का मतलब क्या हुआ? द आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि V2 जो वोल्टता है वो आउटपुट वोल्टेज है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, यानी हमने जो AC वोल्टता लगाई, जो आउटपुट में जो AC वोल्टता प्राप्त हुई उसका मान क्या होगा? जीरो होगा, यानी स्मॉल V2 का मान जीरो होगा। इसका मतलब दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए, लघुपतित कर दिए। सिंस द डायमेंशन ऑफ H11 इज ओम, क्योंकि ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट है, वोल्ट पर एम्पियर जो कि ओम होता है, हेंस इट इज नॉन एज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसलिए इसे उस परिपथ का क्या कहते हैं? निवेशी प्रतिरोध कहते हैं, जब आउटपुट टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किट होते हैं, लघुपथित होते हैं। दूसरा, H12 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 व्हेन DI1 इक्वल टू जीरो, यानी इसको अगर जीरो कर दें तो H12 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो स्मॉल I1 है वो जीरो कर दें तो करंट जीरो कब होगा? जब दोनों जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनको दूर कर दें एक दूसरे से, आपस में जोड़ेंगे तो करंट बहेगा, तो करंट फ्लो नहीं करवाना है, तो इसका मतलब उसको ओपन सर्किट कर दें, खुला परिपथ कर दें, डेट इज इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन सर्किटेड।
अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, तो एच वन टू इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि है एंड इज नॉन एज रिवर्स वोल्टेज रेशियो, उत्क्रम या पश्च वोल्टा अनुपात कहलाता है, ऊपर भी वोल्टा है नीचे भी वोल्टा है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज ऊपर है और आउटपुट वोल्टेज नीचे है इसलिए इसको उत्क्रम या पश्च वोल्टा अनुपात कहा। अब सेकेंड इक्वेशन देखें, इसमें एच टू वन ज्ञात करें, एच टू वन इज इक्वल टू डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा आई वन, और डी वी टू जीरो ले लें या स्मॉल वी टू जीरो ले लें तो ये एच टू वन होगा, डेट इज आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, यानी डी वी टू जीरो का मतलब क्या है, आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे भी ऐसा का ऐसा। अब यहाँ देखिए ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो एम्पियर एम्पियर कैंसिल, एच टू वन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वही विमाहीन राशि है एंड इज नॉन एज फॉरवर्ड करंट रेशियो, अग्रधारा अनुपात कहलाता है, क्योंकि ऊपर आउटपुट करंट आ रहा है नीचे इनपुट, इसलिए इसको अग्रधारा अनुपात, और दोनों धाराएं हैं करंट है। नाउ एच टू टू इज इक्वल टू डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा वी टू व्हेन डी आई वन इक्वल टू जीरो या स्मॉल आई वन इक्वल टू जीरो, डेट इज इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन सर्किटेड, सिंस द डायमेंशन ऑफ एच टू टू इज मोह, ऊपर करंट आ रहा है नीचे वोल्टेज आ रहा है, ऊपर एम्पियर है नीचे वोल्ट है, तो ये ओम का उल्टा हो गया यानी मोह हो गया, हेंस इट इज नॉन एज आउटपुट एडमिटेंस ऑफ द सर्किट, जो परिपथ है उसकी निर्गत प्रवेशता, निर्गत प्रवेशता क्यों हुई, क्योंकि ये आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है तो निर्गत में है इसलिए निर्गत प्रवेशता। दस इक्वेशन 5 एंड 6 में भी रिटर्न है, 5 और 6 को ऐसे लिख सकते हैं, V1 is equal to HI I1 plus HR V2, I2 is equal to HF I1 plus HO V2। अब हमने इसे I, R, F और O से क्यों लिखा ये समझते हैं। According to equation 7, the input voltage V1 is equivalent to the sum of, अब V1 किसके बराबर है, एक इसके और इसके सम के बराबर है, तो ये क्या है और ये क्या है, is equivalent to the sum of voltage drop, ये एक voltage drop है वोल्टा पाथ एच आई आई वन, किसके कारण, ड्यू टू द करंट आई वन ऑन द रेजिस्टेंस एच आई, यानी एच आई जो रेजिस्टेंस है उस पर जो करंट, उसमें जो करंट आई वन फ्लो हो रही है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा एच आई आई वन, एंड द वोल्टेज एच आर वी टू प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, और वोल्टा स्रोत एच आर वी टू वोल्टेज उत्पन्न करेगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसी तरह दूसरी देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 की बात करें तो I2 जो करंट है, द आउटपुट करंट इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ करंट HOV2, ये करंट है HOV2, ये कहां से आई, फ्लोइंग थ्रू एडमिटेंस HO ड्यू टू वोल्टेज V2, यानी जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V2 के कारण जो एचओ में प्रवाहित हो रही धारा, तो वो होगी एचओ वी टू, और एक करंट सोर्स होगा एंड दी करंट एच एफ आई वन प्रोड्यूस्ड बाय दी करंट सोर्स, और यानी धारा स्रोत द्वारा उत्पन्न जो धारा है वो, और जो ये वी टू वोल्टेज के कारण एचओ में बहने वाली जो धारा है एचओ वी टू, उन दोनों के सम के बराबर होगी। सिंस द डायमेंशन ऑफ एच वन वन एच वन टू एच टू वन एंड एच टू टू आर डिफरेंट, यानी इनकी विमा अलग अलग है, एंड फॉर डिफाइनिंग देम वी रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट बोथ टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, यानी हमको इन्हें ज्ञात करने में निवेशी तथा निर्गत दोनों प्रकार के एडजस्टमेंट्स का उपयोग करना पड़ा, यानी हमको शॉर्ट सर्किट का भी उपयोग करना पड़ा और ओपन सर्किट का भी उपयोग करना पड़ा, तो मिक्स, हेंस दे आर नोन एज हाइब्रिड पैरामीटर्स, इसलिए ये संकर प्राचल कहलाते हैं। अगर हम केवल चारों ओपन सर्किट्स का उपयोग करते हैं चारों में, या केवल शॉर्ट सर्किट्स का उपयोग करते हैं, तो ये दूसरे तरह के पैरामीटर कहलाते हैं, तो फिर ये ओपन सर्किटेड पैरामीटर्स कहलाते हैं अगर ओपन सर्किट का उपयोग करते केवल, और केवल शॉर्ट सर्किट का उपयोग करते तो शॉर्ट सर्किटेड पैरामीटर्स कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का मिक्स है इसलिए हमने इसे हाइब्रिड पैरामीटर्स कह दिया, संकर प्राचल कह दिया। फॉर ट्रांजिस्टर सर्किट्स, अब ट्रांजिस्टर सर्किट की बात करें, इट इज मोर कंफर्टेबल टू राइट
एच आई एच आर एच एफ एंड एच ओ इंस्टीट्यूट ऑफ H11, H12, H21 and H22 रेस्पेक्टिवली। यानी अभी हम दोनों इक्वेशन में बता ही चुके हैं कि इन चारों की जगह हम अगर क्रमशः एच आई एच आर एच एफ एच ओ लिखें तो ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा। क्यों होगा? ये जो सब्सक्रिप्ट हमने इसमें लिखे हैं आई आर एफ एंड ओ हैव ए फिजिकल सिग्निफिकेंसी, इनकी एक भौतिक सार्थकता होती है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट इनपुट। आई से क्या हो गया? इनपुट यानी निवेश। आर से क्या हो गया? रिवर्स, पश उत्क्रम। फॉरवर्ड से हो गया अग्र। एंड ओ से हो गया आउटपुट, निर्गम। तो एच आई यानी आई यानी इनपुट यानी इनपुट रेजिस्टेंस, आर यानी रिवर्स वोल्टेज रेशियो, एफ यानी फॉरवर्ड करंट रेशियो और ओ यानी आउटपुट एडमिटेंस। फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल, अब लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेत की बात करें तो जो फिगर 1A है उसका जो तुल्य परिपथ होगा इक्विवेलेंट सर्किट वो ये होगा। अभी हमने समझाया था V1 यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये वोल्टता स्रोत है इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसी तरह जो I2 करंट है यहाँ से जा रही है, कुछ भाग इसमें जा रहा है और कुछ भाग ये जा रहा है, तो ये एक करंट सोर्स है HFI1 और जो करंट इसमें जाएगी वो होगी HOV2। तो I2 विल बी इक्वल टू होगा HOV2 प्लस HFI1। तो इस परिपथ का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा तुल्य परिपथ वो इस प्रकार का होगा। यही परिपथ हम तीनों अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन है विन्यास है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राह विन्यास, उसके लिए काम में ले सकते हैं। अब कॉमन बेस में बेस कॉमन होता है, तो बेस इधर होगा, अमीटर इधर होगा और कलेक्टर इधर होगा। तो कलेक्टर इधर होगा तो आउटपुट करंट IC होगी, अमीटर इधर होगा तो इनपुट करंट होगा IE। इसलिए इसको HIE से लिख देंगे, इसको HRE से लिख देंगे, इसको HFE से लिख देंगे और इसको HOE से लिख देंगे। कॉमन अमीटर में, कॉमन अमीटर में HIE HRE HFE HOE, जो E आ रहा है वो कॉमन अमीटर। इसी तरह कॉमन बेस के लिए HIB HRB HFB HOB। इसी तरह कॉमन कलेक्टर के लिए HIC HRC HFC HOC। इसी प्रकार इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट जो टर्मिनल जहां होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। थैंक यू।